जो भारत सरकार अब आंख मूंद करके अपनी जो कलम है देश के दलितों के हकों पर, देश के आदिवासियों के हकों पर, देश के पिछड़े के हकों पर, देश के माइनॉरिटीज के हकों पर किस तरह से कैंची चलाती है, वो गांव में आवाज तो आया है लेकिन एक भी गरीब आदमी को नहीं मिला है। बड़ा मुकद्दस दिवस है कि आज हम नेकडोर के माध्यम से पूरे देश के दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटीज के लोग जो हर साल इस मुख्य बिंदु को लेकर के मिलते हैं, आज फिर हम सभी लोगों का ये मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विषय आप सब लोगों को पहले से ही पता है और जहां तक मैं देख पा रहा हूं सभी साथी हर बार जब यहां पर बजट का विश्लेषण होता है, पोस्ट बजट का विश्लेषण होता है, सभी साथी उसको अच्छे से समझते हैं और फिर अपने अपने क्षेत्र में जाकर के अपने लोगों को सरल भाषा में समझाते हैं कि जो ये बजट है, जो भारत सरकार का जो बजट है, जो इस सरकार का बजट है, वो हमारे ऊपर उनका क्या कैसे इफेक्ट होता है और उस बजट के अंदर हमारे साथ कैसा बेइंसाफी हुई है, उस बजट के अंदर हमारे से कैसा भेदभाव हुआ है, आप सभी साथी अपने अपने क्षेत्र के अंदर जाकर के बताते हैं। मैं विशेष तौर पर देश के महान विचारक, चिंतक और नेता माननीय अशोक भारती जी का दिल से मशकूर हूं कि वो हर बार देश के विभिन्न लोगों को जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं उनको ये बतलाने का प्रयत्न किया जाता है कि इससे पूर्व जैसा बजट आता था हम उसको एक्सेप्ट करते थे, लेकिन अब हमारे साथी, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता इस योग्य हुए हैं, खासकर अशोक भारती जी की वजह से, कि हम जो भारत सरकार अब आंख मूंद करके अपनी जो कलम है देश के दलितों के हकों पर, देश के आदिवासियों के हकों पर, देश के पिछड़े के हकों पर, देश के माइनॉरिटीज के हकों पर किस तरह से कैंची चलाती है, उसका हम किस तरह से विरोध करते हैं। मैं आज खास तौर पर दिसंबर के अंदर कड़कती ठंड के अंदर जिस तरह से दलितों के, पिछड़ों के हकों के लिए एक कैंपेन चलाया वो बहुत काबिले तारीफ था, पूरी पंजाब की मीडिया ने उसको अप्रिशिएट किया। हम लोग आज यहाँ दिल्ली चल के आए हैं कि हमारी समस्या हर एक बात को सुनी जाए और सबसे निवेदन करता हूँ कि हर एक की समस्या को हल मिलना चाहिए क्योंकि जो आए हैं अपनी अपनी समस्या लेकर उसे पूरा होना चाहिए। और हमारे जो ज़मीन के लिए हमारे छोटू साहब, भाई साहब लड़ रहे हैं, वो ज़मीन को हम पूरा करने को मांगते हैं कि आबादी तो बहुत बढ़ती है लेकिन ज़मीन की नहीं बढ़ती है। इसके लिए हम सबसे निवेदन करते हैं कि हर एक के गाँव की यही समस्या, हर गाँव में यही समस्या है। एक गाँव हमारे पास गोदहा है, वो गांव में आवाज तो आया है लेकिन एक भी गरीब आदमी को नहीं मिला है। अब उनको दबंगों जो है तो दवाए उनको दबाए जाते हैं, बोलते हैं अगर जो तुम बात बोलोगे हम तुमको मार देंगे क्योंकि हमारा राज चलता है तुम्हारा नहीं। इसलिए हम लोग सब दलित लोग उनके लिए दबे हैं, उनसे दबे हैं। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि मोदी जी तो कहते हैं कि हम आवास देते हैं लेकिन वहाँ कुछ नहीं, गरीबों को कुछ नहीं मिलता है। ये किसको मिलता है? दबंगों को। शौचालय बनाने का पैसा दिया है 12,000 रुपए लेकिन किसको मिला? दबंगों को। अपने से लगा लगा के बना दिए शौचालय लेकिन किसका पैसा मिला जो यहाँ से गया? दबंगों को। और जो बोलते हैं कि हमारा पैसा नहीं आया तो क्या कहते हैं कलेक्टर में अर्जी देने नहीं जाना? हम बताएंगे, अब क्या बताएंगे? अब तो अपना पैसा लगा के उसने बना दिया और यहाँ उनको जाने नहीं देते कलेक्टर के पास। और यहाँ मोदी जी क्या करते हैं? कुछ सुनते हैं गरीबों को? यहाँ से आदेश दे देते हैं कि हम आवास योजना दे रहे हैं और जनधन की आए हुए
वहाँ नहीं मिलता। जय भीम जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।